रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में 15 साल का लीप देखने को मिल रहा है। लीप के बाद की कहानी दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। ऐसे में कल सीरियल में देखने को मिला था कि अनुपमा अपनी बेटी आद्या को द्वारिका मिलने पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम और आद्या की लव स्टोरी भी शुरू हो गई है। वहीं अनुपमा अपने घर और बिजनेस को तोशु के हाथ में छोड़कर आती है, लेकिन अब तोशु अनुपमा के रसोई में बाहर के मसालों की मिलावट करेगा। चलिए जानते हैं शो में अब आगे क्या क्या ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आद्या प्रेम का रोमांस। प्रेम और आद्या की मुलाकातें बार बार हर मोड़ पर हो रही है। ऐसे में इस दौरान आद्या और प्रेम एक दूसरे की बाहों में खो गए हैं और एक ही डोरी से बंध जाते हैं। अनुपमा का बिजनेस बिगाड़ेगा तोशु। सीरियल में देखने को मिलेगा कि तोशु अनुपमा के रसोई में बाहर के मसालों की मिलावट करेगा। ऐसे में वह जल्द ही अपने माँ के बिजनेस का कबाड़ा करने वाला है। अनुपमा का सहारा बनेगी ये शख्स। तोशु की हरकतों पे फुल स्टॉप लगाने जानकी की कहानी में एंट्री होती है। वह तोशु को याद दिलाती है कि यह अनुपमा के रसोई है और इस बिजनेस की मालकिन भी। आद्या से मिलेगा अंश। द्वारिका की गलियों में अंश आद्या से मिलता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता। आद्या उसे अपना नाम राही बताती है, लेकिन जैसे अंश उसे अपना नाम बताने वाला होता है वो वहां से चली जाती है। बेटी के गले लगेगी अनुपमा। आद्या की आंखों में रंग चला जाता है। ऐसे में वह प्रेम से टकरा कर अनुपमा के गले लग जाती है। आद्या का चेहरा देखने से पहले अनुपमा की आंखों से वो ओझल हो जाती है। क्या होगा अनुपमा आद्या का मिलन? अनुपमा आद्या के चेहरे की रंगोली बनाती है और हवन भी करवाती है। उस जगह पर आकर आद्या अपने बचपन के चेहरे की रंगोली देख जाती है। अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि ये माँ बेटी एक दूसरे से मिल पाएंगे या फिर नहीं। इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।